महिलाओं ने जिस ढंग से स्वागत किया, मेहंदी उत्सव, सिंदूर उत्सव, गजरा उत्सव एवं गंगोत डांडिया एवं फूलों की होली खेल कर की, हम उनके स्वागत को देखते हुए हम उन्हें आभार व्यक्त करते हैं, उनका हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। हमारा उद्देश्य इन सबों को देखते हुए हमारा उद्देश्य यही था कि हम दादी जी का घर घर प्रचार करें, दादी जी के सोए हुए भक्तों को जगाएं, लेकिन यहाँ पर आकर के तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो उद्देश्य था वह पूर्ण होता नजर आ रहा है। हम आमंत्रित करते हैं जिन महिलाओं ने आज स्वागत किया, मैं डोली जी को बोल रहा हूँ, वो नाम पढ़ के बोलेंगे, हम उन्हें एक स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। सबसे पहले सुरभि संस्थान की तरफ से मैं आमंत्रित करूंगा यहाँ आकर एक प्रतीक चिन्ह लें। पूरी संस्था की तरफ से उनके सदस्य को हार्दिक अभिनंदन और निरंतर ऐसा ही सहयोग बने ऐसी आकांक्षा। उसके बाद विनायक ग्रुप की तरफ से एक सदस्य आकर प्रतीक चिन्ह लें। ओ नाची सभे पंकजाची बिलसत भवने भारती कांतरे से वरदंता बंधु वर्गा प्रबल रिपुगणा यांतु पाचाल मोगे जैसे जैसे सुकृति प्रसन्न भवता पूर्ण गुंदे जो सोगा जीवा पुष्प होते सजन परमितो और उसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ शक्ति शाखा धनबाद को यहाँ आए तथा प्रतीक चिन्ह लें। ये इनका अथक प्रयास है कि आज दादी जी का इतना सुंदर उत्सव हो पाया सभी लोगों का। अब मैं आमंत्रित करता हूँ झरिया रानी सती मंदिर महिला समिति, झरिया मारवाड़ी महिला समिति तथा नारायणी परिवार सम्मिलित तौर पर झरिया में दादी परिवार कहलाना पसंद कर रहे हैं। जोरदार तालियां इनके लिए, सम्मिलित तौर पर आज के इस कार्यक्रम के लिए नमन, इनके अथक प्रयास को नमन। अब मैं आमंत्रित करता हूं झरिया धनबाद मारवाड़ी महिला समिति धनबाद को, उनके सदस्य यहाँ आए और प्रतीक चिन्ह लें अगर कोई है तो। मारवाड़ी महिला समिति धनबाद, मैं करके महिला समिति से आग्रह करूंगा वो आकर प्रतीक चिन्ह लें। मैं कतरास महिला समिति से आग्रह करूंगा कि यहां आकर प्रतीक चिन्ह लें। ये जो कुछ देखा आपने ये तो इनका प्रयास था, लेकिन इस समिति के जो सूत्रधार हैं श्री द्वारका प्रसाद जी गोयलका, श्री राजकुमार जी टाटिया, श्री अनिल बंसल, श्री प्रदीप गोपाल का, ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने इस उत्सव को इतना सुंदर बनाया, इतनी मेहनत कर आपके बीच उत्सव को सजाया है, उसके लिए धन्यवाद। मैं वापस आमंत्रित करता हूँ श्री जयप्रकाश जी धोरालिया, श्री द्वारका प्रसाद जी गोयलका तथा ऐसे सभी प्रभुजनों को जिन्होंने दादी की ज्योत यहाँ अलग जगाई भी। और अब इसके बाद दादी जी का वृद्ध छप्पन भोग, कृपया बैठे और जोरदार भजनों का आनंद लें। श्री संजय जी शर्मा, श्री संजय जी शर्मा की भावना से जो संजय जी शर्मा का भजन सुन रहे थे एवं अभी आगे और सुनेंगे, जो भजनों के माध्यम से दादी जी तक जुड़ रहे हैं, वो इस यात्रा में 40 दिनों की इस यात्रा में हमें निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इस यात्रा में एक और नया प्रतिज्ञा ली है कि मैं महीने में एक मंगल
किसी भी मंदिर में मुफ्त में करूंगा। जो भी भक्त करवाना चाहे वो हमारी फाउंडेशन से संपर्क कर सकते हैं या संजय जी शर्मा से कर सकते हैं। एक बार ताली बजा करके उनका सम्मान करें। इतना ही नहीं, हमारे साथ चल रहे म्यूजिशियन भाई एवं विनोद जी अग्रवाल जिसका लाइव प्रसारण देखते हैं, जिसके चलते आज इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, उन्होंने उनका भी मनोबल बढ़ाए। ताली बजा कर एक बार मनोबल बढ़ाए। संजय जी शर्मा कहाँ है? संजय जी शर्मा आई। और एक बार जोरदार तालियां श्री संजय जी शर्मा के लिए इनके प्रयास से। और ये दादी परिवार धनबाद इनको सम्मानित करता है, इनको नमन करता है कि इन्होंने इतने दिनों से इतने सुंदर प्रयास से हर जगह भजनों से दादी की जोत को निशाया है। और अब आगे की कार्रवाई 56 भोग और मीठे मीठे भजन। दादी की जोत के साथ निरंतर चल रहे हैं। और आपने अभी सुना ही इनको, इन्होंने प्रेरणा से लेकर आपके यहाँ मंगल करने के लिए, निःशुल्क मंगल करने के लिए अपना वचन दिया है। आप कोलकाता फाउंडेशन, रानी सती फाउंडेशन कोलकाता को संपर्क कर इनसे इनकी तारीख, मंगल के लिए तारीख ले सकते हैं। और सम्मानित करने के लिए मैं गोपाल जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और हम लोग संजय शर्मा को सम्मानित करें और फिर आगे बढ़े 56 भोग के लिए। कुछ मीठे भजनों के बाद जिनके 56 भोग हैं मैं नाम अनाउंस करूंगा, वो दाता यहाँ आकर 56 भोग के लिए संकल्प लेंगे और नाम उनकी सूची पढ़ी जाएगी, वो लोग यहाँ आकर 56 भोग के लिए संकल्प लेंगे। तो पहले 2-3 मीठे भजन और उसके बाद 56 भोग का भजन।
Thank you.
Thank you.
छप्पन लोग काउंटर पर